आगे बात करते हैं अब हम लोग इस लेक्चर में। जो भी पाथ, जो भी रास्ता बुद्धा ने अपने शिष्यों को सिखाया या उन्होंने जो टीचिंग्स के फॉर्मेट के अंदर दिया, उसको ना जैद श्रेया हम लोग मिडल पाथ कहते हैं। मतलब आपको ये पता है कि बुद्धा अच्छे खासे परिवार में पैदा हुए थे, काफ़ी अच्छा उनका बचपन बीता था, है ना। तो उन्होंने उन्होंने एक वो ज़माना भी देखा था और एक वो ज़माना भी देखा था, याद है, जब उन्होंने अपने जो पांच जो एसेटिक मंक्स थे उनके साथ मेडिटेशन करी थी और एक्सट्रीम तरीके से सब कुछ छोड़ दिया था, खाना पीना, उनकी मांसपेशियां हड्डियां बिल्कुल सूख गई थी, तो एक्सट्रीम एसेटिसिज्म को भी फॉलो करा था, है ना। तो बुद्धा को इतना पता लग गया था कि देखो, ना ही एक्सट्रीम इंडल्जेंस से यानी कि ओवर प्लेजर में, और ना ही एक्सट्रीम एसेटिसिज्म में यानी कि ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने से, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे एनलाइटनमेंट अटेन नहीं होने वाली। तो इट शुड बी नोटेड हियर डैट राइट, जो भी हम ये बोल रहे हैं कि राइट मेडिटेशन, राइट थॉट, जो भी हमने अभी अष्टांगिका मार्ग में देखा, इसका मतलब होता है प्रॉपर, होलिस्टिक, होल, थोरो, इंटीग्रल, कंप्लीट और परफेक्ट। इसका मतलब राइट या फिर रॉन्ग से नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अपोजिट ऑफ राइट अवेयरनेस इज नॉट नेसेसरली रॉन्ग अवेयरनेस। ये अगर अवेयरनेस ही है तो फिर वो रॉन्ग क्यों है ना श्रेया। तो ये राइट रॉन्ग से मतलब ये नहीं है। मतलब तो बेसिकली बात ये कि आपकी अवेयरनेस इनकम्प्लीट हो सकती है, रॉन्ग नहीं हो सकती। बुद्धा जो है उन्होंने एम्फसाइज करा था कि अगर कोई भी पर्सन वो फॉलो करता है उनके दिए गए इस अष्टंगिका मार्ग को, एट फोल्ड पाथ को, देन ही और शी विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑफ अटेनिंग एनलाइटनमेंट, दैट इज निबन या फिर निर्वाण, विदाउट मैकेनिनेशंस ऑफ द प्रीस्ट। यानी कि आपको फिर जो प्रीस्टी क्लास है, जो ब्राह्मण हैं, उनका कोई सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जो निबन और जो निर्वाण है वही अल्टीमेट गोल है, एनलाइटनमेंट ही अल्टीमेट गोल है बुद्धा की टीचिंग्स का। इसी की वजह से आप एक ऐसी जीवन व्यतीत ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हो जो कि मीनिंगफुल हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो। जो पाली वर्ड है निबन, इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ नी एंड वन। नी का मतलब होता है नेगेटिव पार्टिकल एंड वन का मतलब होता है लस्टिंग या फिर क्रेविंग, ठीक है। इट इज कॉल्ड निबन। एज इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम क्रेविंग और लस्टिंग, आप इससे मूव करते हो, इस पोजिशन से मूव करते हो। तो निबन का बेसिकली मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, बिकॉज अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। और अगर आप वर्ल्डली प्लेजर्स में पढ़कर, क्रेविंग कर या सेंसुअल प्लेजर्स में थ्रू लस्ट, अगर आप ऐसे प्लेजर्स को सीख करते हो, ऐसी जगह पर जाकर अगर आप अटैचमेंट को सीख करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको सफरिंग मिलेगी अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध। तो इट डज नॉट मीन फिजिकल डेथ। ऐसा नहीं है कि आपको शरीर ही छोड़ देना है, ठीक है, लगाव भी नहीं लगा कर रखना, पृथ्वी की हर चीज़ को आप बेकार माने लग जाओ। रेदर इट सिग्निफाइज डाइंग आउट और एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर, अटैचमेंट, ग्रीड, इग्नोरेंस, हेट्रेड एंड इवन द सेंस ऑफ ईगो, इन सब का त्याग कर दो। निबन जो है बुद्धिस्ट के लिए, इट इज़ नीदर अ मेयर नथिंगनेस। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल जीवन में अपने बिल्कुल खालीपन का शिकार हो जाओ, नॉर अ स्टेट ऑफ एनिहिलेशन, यानी कि आप हर चीज़ से अपना रुख मोड़ लो, बट वॉट इट इज नो वर्ड्स कैन एडिक्वेटली एक्सप्रेस। यानी कि बुद्धा खुद भी अग्री करते हैं कि ये ना एक्सपीरियंस करने वाले के ऊपर है कि उसने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति किन चीज़ों को हटाकर, किन चीज़ों को लाइफ में छोड़कर करी है। तो एक पर्सन का एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस, निबन या निर्वाण करने का एक्सपीरियंस जो होगा, वो दूसरे इंसानों से अलग होगा। निबन जो है वो एक धम्म भी है, विच इज़ अनबॉर्न, अनऑरिजिनेटेड, अनक्रिएटेड एंड अनफॉर्म्ड, हैंस इट इज एटर्नल, जिसको कहा जाता है धूव, डिजायरेबल, शुभ एंड हैप्पी, सुख, ठीक है, धूव, शुभ और सुख। निबन के अंदर नथिंग इज एटर्नलाइज्ड, नॉर इट इज़ एनी थिंग डैट इज एनी रिलेटेड बिसाइड सफरिंग। सिर्फ आपको इसको दूर करना होता है। निबन जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे सिचुएटेड नहीं है,
नॉर इज इट अ सॉर्ट ऑफ हेवन जहाँ पर आपकी जो ईगो है, ट्रांसेंडेंटल जो ईगो है वो रिसाइड करती है। ट्रांसेंडेंटल ईगो मतलब क्या, अब जो एक ईगो है आप उसको छोड़कर आगे की तरफ बढ़कर एक नई पर्सनैलिटी अपना रहे हो। वो कोई एक ऐसी जगह भी नहीं है कि अब आपका दुनिया ही बदल जाएगी, आप कहीं और ही पहुंच जाओगे अपने आत्मा और शरीर के साथ। यही दुनिया में रहते हुए आसपास का वातावरण जो अभी तक आपके लिए नेगेटिव है वही पॉजिटिव होने लगेगा। तो इट इज़ अ सुप्रा म्यूंडेन स्टेट ऑफ मानने की, यानी कि अटमोस्ट या एपिक्स पॉइंट है ये किसका, एंड एन अटेनमेंट ऑफ धम्म विच इज़ विद इन द रीच ऑफ ऑल इवन इन दिस प्रेजेंट लाइफ। इसके अलावा मतलब ये नहीं है कि आपको जो आपने निर्वाण अटेंड कर लिया है, मोक्ष की प्राप्ति अगर आप कर रहे हो, तो आपको दूसरा ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ही अपनाना है, ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसी दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा जिससे आप दूसरे लोगों की भी मदद कर पाओगे। तो बुद्धिज़्म जो है इट डज़ नॉट स्टेट दैट दिस अल्टीमेट गोल कैन बी रीच्ड ओनली इन द लाइफ बियॉन्ड। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा बर्थ लेना पड़ेगा तभी आप इस गोल को अटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है बिटवीन बुद्धिस्ट कंसेप्शन ऑफ निबन एंड द नॉन बुद्धिस्ट कंसेप्शन ऑफ एन एटर्नल हेवन, स्वर्ग की प्राप्ति, जिसको माना जाता है विद इन हिंदुज्म दैट इट इज़ अटेनेबल ओनली आफ्टर डेथ और अ यूनियन विद द गॉड और अ डिवाइन एसेंस इन आफ्टर लाइफ। निबन जो है वेन इट इज़ रियलाइज इन दिस लाइफ विद द बॉडी रिमेनिंग, आपका शरीर आपके साथ है और उसके साथ आपने एनलाइटनमेंट की जो है वो प्राप्ति कर ली है, इसको बोला जाता है सोपा देसीसा निबन धातु। आई रिपीट, सोपा देसीसा निबन धातु। जब कोई भी एक अरहत जिसने अपना सब कुछ घर परिवार वगैरह छोड़ दिया है वो परिनिबन को अटेंड करता है, यानी कि आप अपने ऊपर कंट्रोल लाते हो कि आप अपने शरीर को छोड़ सकते हो जैसे आप मर्जी चाहो। कंप्लीट और फाइनल डाइंग आउट ओनली यूज फॉर डेथ ऑफ एनलाइटेंड बींग सच एज बुद्धास आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ हिज बॉडी विदाउट एनी रिमाइंडर ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इट इज कॉल्ड अनुप दिसेस निबन धातु। और वो क्या था, सोप दिसेस निबन धातु। जब आप एनलाइटनमेंट को अटेन कर रहे हो, कैसे आप जिंदा हो, बुद्धिज्म के अंदर जिंदा ही रहते हुए तो एनलाइटनमेंट को अटेन करा जाता है क्या, उसको बोला जाता है सोप दिसेस निबन धातु। और जब आप अपने शरीर को त्याग देते हो परिनिबन को अटेन करते हो, उसको बोला जाता है अनुप दिसेस निबन धातु। तो बुद्धिज्म जो है इट एक्सेप्ट्स ट्रांसमाइग्रेशन एंड इम्परमानेंस बट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल आत्मन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म इन दो का आइडिया जो है वो रिजेक्ट करते हैं करता है अपनी मतलब एज अ फिलोसफी। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध हिमसेल्फ सोल जो है वो एक मिथ है। बुद्धिस्ट यूनिवर्स के अंदर यानी कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स के दायरे के अंदर देयर आर मैनी वर्ल्ड्स एंड मैनी काइंड्स ऑफ बींग्स, वन कैन बी बॉर्न एज एनी वन ऑफ देम। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपको इंसानी जीवन मिला है तो ऐसा मत सोचो कि दोबारा नहीं मिल सकता या फिर आपको इतनी इतनी योनियों के बाद ही इंसानी योनि के अंदर जन्म मिलता है, कोई नहीं देखा है मरने के बाद क्या होगा। तो अगर आप इस लाइफ को बेटर कर सकते हो जीते जी तो बेटर है कि आप अभी फोकस करो। ट्रेडिशनली बुद्धिज्म टीचेस द एग्जिस्टेंस ऑफ 10 रेल्म्स ऑफ बीइंग। एट द टॉप इज बुद्ध एंड द स्केल डिसेंड्स एज फॉलोज। बुद्धा के बाद अगर कोई आता है तो वो आते हैं बोधिसत्वास, याद है मैंने अभी आपको बताया श्रेया एनलाइटेंड बीइंग जो कि बुद्धा की तरह महापरिनिर्वाण को अटेन कर सकते हैं बट पर्पसली रिमेन ऑन द अर्थ टू टीच अदर्स। आ गया वही वाली बात। उसके बाद प्रत्येक बुद्धा, अब बुद्धा ऑन देयर ओन, श्रवक, हर कोई अपने आप को बुद्धा ऐसे समझ रहा है कि हर कोई ये कह रहा है कि अगर बुद्धा अगर इतनी पॉश फैमिली से आकर यहाँ ऐसा जीवन बिता सकते हैं तो हम भी तो एनलाइटनमेंट अटेन कर सकते हैं, हम क्यों पीछे हट सकते हैं। फिर रह रहे उन्हीं के साथ ही, मतलब मोटिवेटेड है अपने गुरु से बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि हर किसी में एक बुद्धा है। और बुद्धा का मतलब क्या होता है, एन एनलाइटेंड वन, क्योंकि नाम तो सिद्धार्थ था ना, बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन। तो अपने आप में हर कोई एनलाइटेंड है, ठीक है, बस वो जानने की देरी है, पहुंचने की देरी है, अपने आप को पहचानने की देरी है। प्रत्येक, जैसे हम लोग कहते हैं प्रत्येक, ये जो चीज़ है हर एक मतलब हर एक इंसान जो है उसके अंदर एक बुद्धा वास करते हैं करता है और बस उसको पहचानने की देरी है।
उसके बाद श्रवक डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा. डायरेक्ट डिसाइपल मतलब क्या, वो वहीं जाकर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर रह रहे हैं और बुद्धा से रूबरू हैं. हेवनली बींग्स, सुपर ह्यूमन एंजल्स. ठीक है, अब ये सुपर ह्यूमन एंजल्स पता है क्या, जो मतलब बेसिकली हो सकते हैं कि इंसानी रूप में हो, और बुद्धा तो देखो वैसे भी आत्मा वगैरह में विश्वास करते नहीं थे, ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ गॉड एंड आत्मन, कि कुछ ऐसे लोग जो कि अपने भौतिक सुखों को त्याग कर दूसरे लोगों की मदद करते हैं, अपने प्राण को निछावर कर दूसरे लोगों की मदद करते हैं, उनको बोले जाते हैं सुपर ह्यूमन एंजल्स. फिर इंसान, असुर, फाइटिंग स्पिरिट्स, बीस्ट, प्रेत, हंगरी घोस्ट एंड डिप्रेव्ड मैन, हेलिश बींग्स. मतलब इंसानी रूप में जन्म ले लिया इन्होंने, लेकिन इनको किसी के सुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने सुखों को देखते हैं. एंड दीज टेन टेन रेल्म्स आर, क्या कुछ पूछ रहे हैं? ट्रांसमाइग्रेशन मतलब आप जीते जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. वॉट यू हैव लर्न कैन बी अनलर्न एंड न्यू थिंग कैन बी लर्न. हाँ, अभी तक देखो आप भी, यार एक बात बताओ, जैसे आप और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम एक हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं ना, हमें क्योंकि वो चीज़ सुख देगी ना. अगर हम ये अपना गोल गौतम बुद्ध को बताएं ना, वो कहेंगे कोई मतलब ही नहीं है इसका, आप मेहनत करो सब कुछ करो, वो कहेंगे कोई मतलब ही नहीं है इसका. उनकी बात ही हो सकता है हमारा दिल तोड़ दें. और डिफरेंस उनमें और हमें पता क्या होगा, हम अटैच है किसी एक चीज़ से, उन्होंने नॉन अटैचमेंट अटेन कर रखी है, उनकी सोल ट्रांसमाइग्रेट कर गई है, हमारी रहते रहते भी अभी भी अटैचमेंट्स को दूरती चल रही है. ठीक है, और यही अगर आप हिंदुज्म के कोर के अंदर देखोगे ना, ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन वो आप हिंदुज्म के दायरे के अंदर सोच रहे हो कि ये शरीर को छोड़ के आत्मा जा रही है और किसी दूसरे शरीर के अंदर वास कर रही है. इनका ये कहने का मतलब था ट्रांसमाइग्रेशन के अंदर, बुद्धिज्म के फोर्ड के अंदर ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब ये होता है सेम शरीर के अंदर रहते हुए आत्मा का बेसिक एस्पेक्ट, बेसिक नेचर चेंज हो जाना. उसके लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं, ऊपर ये तो पढ़ाया मैंने आपको, ये है ट्रांसमाइग्रेशन. और इम्परमानेंस का मतलब ये कि देखो कोई चीज जब परमानेंट है ही नहीं, और आपकी आत्मा नहीं, आपका जो बेसिक नेचर है वो भी परमानेंट नहीं, तो उसको भी चेंज करा जा सकता है. अब एक बार बताओ, अशोका को ही देख लो, परफेक्ट एग्जांपल, उसको किसने बता दिया था, वो तो किसी की सुनता भी नहीं था, लेकिन विकेट अशोक से धम अशोक बन गया था, है ना. एक युद्ध ने उसका जीवन का पूरा पहिया बदल के रख दिया. तो दीज टेल ब्रेन्स आर म्यूचुअली इमेनेंट, मतलब आपस में अटैच है, एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव, एंड ईच वन हैविंग इन इट द रिमेनिंग नाइन रिम्स. मतलब हर एक के अंदर नौ 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 घुसी हुई है, आपस में चेन है, मतलब ये पूरी की पूरी. इसको चाहे इस एंगल से देख लो, चाहे उस एंगल से देख लो, एक रेलम दूसरे रेलम के बिना अधूरी है. फॉर एग्जाम्पल, रेलम ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज ऑल द अदर नाइन स्टेट्स फ्रॉम हेल टू बुद्धाहुड. देखो कोई पर्सन कभी कभार, अशोक को ही देख लो, डिप्रेव्ड मैन रहा है कि नहीं रहा है वो, है ना, एक टाइम पर, लेकिन बाद में वो बोधिसत्वा से कम नहीं रहा, है ना. अपने बेटे बेटियों को उसने कभी भी तलवार नहीं उठाने दी, कोई वॉयलेंस नहीं करने दिया, जबकि कलिंग युद्ध के अंदर उसने सबको काट के रख दिया था, और ये उसका फेलियर भी बना मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन का. फिर आगे राइटर कहता है कि मैन इज एट द सेम टाइम केपेबल ऑफ रियल सेल्फिशनेस. और जब इंसान सिर्फ अपने अपने बारे में सोचने लगता है, तब वो अपना नर्क खुद ही खोद लेता है. या फिर दूसरे तरीके के इंसान हो सकते हैं जो कि दूसरों के इमोशंस, सुख चैन दर्द को अपना समझे. दे आर ट्रूली कंपैशनेट, रिफ्लेक्टिंग द कंपैशन ऑफ बुद्धा. मतलब जैसे बुद्धा जो है कंपैशन शो करते थे, वैसे ही वो पर्सन कर सकते हैं. दो तरीके के इंसान हो सकते हैं. बुद्धिज्म की फिलॉसफी ये बोलती है डेट मैन इज कैरेक्टरिस्टिकली प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द टेन स्टेजेस, मिडल पाथ. ही कैन ईदर लोअर हिमसेल्फ एब्रप्टली, आप अपना वर्चस्व गिरा लो, अपनी औकात को बिल्कुल ही लोअर डाउन कर दो,
आप भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए सेंसुअल प्लेजर्स के अंदर, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर जितना मर्जी अपने आप को गिरा सकते हो गिरा लो, और अल्टीमेटली आप ऐसे नरक में गिरोगे। या फिर थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत कर और अटैचमेंट को त्याग कर आप एक एनलाइटेंड स्टेट की प्राप्ति कर सकते हो थ्रू सम डिसिप्लिन, कल्टीवेशन ऑफ फेथ एंड अपने आप को अवेकन करने के साथ। बुद्धा ये भी बोलते थे कि जो कनेक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट लाइव्स, इट इज एस्टैब्लिश बाय कर्मा। यानी कि अगर कोई एक लिविंग बींग चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, हिरण के रूप में, हाथी के रूप में, इंसान के रूप में, तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ कर्मा रहा है। एज अपोज टू रिचुअल एक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, कर्मा इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन मोर देन द एक्शन इटसेल्फ। आपका उस टाइम पर मकसद क्या था, आपका इंटेंशन क्या था, इस पर फोकस करा जाता है। एक्शन आपने जो मर्जी लिया हो इंटेंशन चेक करी जाती है। आपने किसी का मर्डर कर दिया हो लेकिन इंटेंशन आपकी क्या थी, सेल्फ डिफेंस की या किसी और पर्सन को बचाने की, तो क्या मैं उसको गलत मानूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर एक बात बहुत अच्छी बोली जाती है गौतम बुद्ध के द्वारा, आपने अगर कभी भी कुछ बुरा करा भी है ना, आप उन गिल्ट की फीलिंग्स को अपने मन के अंदर लेकर मत रखो। डू नॉट बी गिल्टी। अपने माइंड के ऊपर फोकस करो कि अब से जीवन क्या है। बुद्ध स्ट्रेसेस दैट इट इज अ मेंटल एंग्विश सच एस रिमोर्स, एंग्जाइटी, गिल्ट, जिसको आपको अवॉइड करना है। यही वो चीजें जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, आपको रोकेंगी। आपकी कोई गलती, आपका किसी चीज को लेकर पश्चाताप, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए इन ऑर्डर टू कल्टीवेट अ काम एंड पीसफुल माइंड। रीबर्थ जो है इट इज गवर्न बाय द क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स ऑफ द कर्मा ऑफ अ पर्टिकुलर लाइफ। इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन दो बुद्धिज्म एम्फसाइज ऑन नॉन वायलेंस अहिंसा, येट इट डज नॉट नेसेसरली एंटेल वेजिटेरियनिज्म। बुद्धा ने कभी भी ये नहीं बोला कि आप वेजिटेरियन खाने को अपनाओ, ये उनके मुंह से कभी नहीं निकला। और मंक्स को रोका भी नहीं जाता था, अगर उनको भीख के नाम पर मीट मिल गया ना तो वो खाते थे। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रेया, कि नॉन वेजिटेरियनिज्म क्या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में होता था, तो क्या कहोगे आप? होता था। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।